फर्स्ट एडवांस टीचर। मम्मी ने धोकर कपड़ा सफ़ेद किया, हमने रंग कर घर नया किया, मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। गाइस, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में एडजेक्टिव। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसने पॉलिश करके जूते चमकीले किए। ही पॉलिश्ड द शूज ब्राइट। ही पॉलिश्ड द शूज ब्राइट। मम्मी ने धोकर कपड़ा सफ़ेद किया। मदर वॉश्ड द क्लोथ वाइट। मदर वॉश्ड द क्लोथ वाइट। उसने रंग कर खिड़की नीली की। ही कलर्ड द विंडो ब्लू। ही कलर्ड द विंडो ब्लू। हमने रंग कर घर नया किया। वी पेंटेड द हाउस न्यू। वी पेंटेड द हाउस न्यू। उसने डाई लगाकर बाल काले किए। ही डाइड हिज हेयर ब्लैक। ही डाइड हिज हेयर ब्लैक। मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। आई पुश्ड द डोर ओपन। आई पुश्ड द डोर ओपन। सेकेंड एडवांस टीचर। उसने भी मुझे धोखा दिया। तुमने भी तो ऐसा किया। मैंने भी तो कुछ नहीं किया। गाइज, इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। स्ट्रक्चर जानने से पहले हम इसके मीनिंग को समझ लेते हैं, यानी इसके सेंस को समझ लेते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम तब बोलते हैं जब हमें किसी के ऊपर उम्मीद नहीं होती है या फिर विश्वास नहीं होती है कि उसने भी ऐसा किया होगा, तब जाके हम इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। सो इन सभी सेंटेंसेस में जो कॉमन है वी, इसके लिए हम लिखेंगे एवन। चलिए इसको यूज़ करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा इवन, इसके बाद नाउन और प्रोनाउन जो आएगा उसको लिखा जाएगा। और इसे सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है, चलिए कुछ एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, तुमने भी तो ऐसा किया। ये सेंटेंसेस का मीनिंग ये है कि तुम पर हमारा उम्मीद नहीं था, तुम पर हमारा विश्वास नहीं था कि तुमने ऐसा किया होगा, लेकिन तुमने किया। तो इसलिए हम लिखेंगे इवन यू डिड द सेम। इवन यू डिड द सेम। उसने भी मुझे धोखा दिया। इवन ही चीटेड मी। इवन ही चीटेड मी। मैंने भी तो कुछ नहीं देखा। इवन आई डिडंट सी एनीथिंग। इवन आई डिडंट सी एनीथिंग। तुम्हारा भाई भी तो नहीं आया। आपका भाई पर विश्वास था कि वो आएगा, लेकिन नहीं आया। तो हम इंग्लिश में कहेंगे इवन योर ब्रदर डिडंट कम। इवन योर ब्रदर डिडंट कम।